बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सनावत के फैक्ट्री के मुनीम से 3 लाख रुपए लूटने वाले 5 आरोपियों समेत एक देसी कट्टा बरामद किया। कुछ दिनों पहले खरगोन जिले के सनावत में प्रेम प्रकाश एग्रो इंडस्ट्री के कर्मचारी बैंक से 3 लाख रुपए की राशि लेकर फैक्ट्री आ रहे थे, तभी तो मोटरसाइकिल सवार ने मुनीम की आंखों में मिर्च डालकर 3 लाख रुपए लूट लिए थे। पुलिस द्वारा अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। पुलिस द्वारा बदमाशों की लगातार तलाश की जा रही थी, तभी पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग डकैती का प्लान बना रहे हैं। पुलिस ने एक टीम का गठन कर मुखबिर के बताए हुए स्थान पर घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि प्रकाश एग्रो इंडस्ट्री कर्मचारी से 3 लाख रुपये की लूट की घटना को अंजाम भी हमने ही दिया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व सनावद कस्बे में 3 लाख रुपए की लूट हुई थी। मिर्ची डालकर एक व्यापारी को लूटा गया था। जब लूट की घटना हुई तो उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा श्रीमान एसडीपी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकथाम की जाए और आरोपियों को पकड़ा जाए। इस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी भगवानपुरा वरुण तिवारी और उनकी टीम, इसके अलावा टीआई सनावद राजेश मोदी और उनकी टीम, और हमारी साइबर की टीम, इन तीनों टीमों ने एक सम्मिलित रूप से एक ऑपरेशन चलाया और क्षेत्र में जो बाहरी क्षेत्र अपराधी जो घूमते पाए गए उनके संबंध में पतारसी की गई। इसी तारतम्य में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो बाहरी हैं और यहाँ पर जो थोड़ी में बरवाड़ में शराब फैक्ट्री है उस पर कुछ घटना करने की कोशिश करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। तीनों टीमों ने अपना संयुक्त एक ऑपरेशन चलाया। उसमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उस्मान सेंधवा का रहने वाला है, आदिल कुरैसी वो भी सेंधवा का रहने वाला है, इसके अलावा आदिल खान सनावत का रहने वाला है, आजम शाह और नानू। इस प्रकार से 5 आरोपियों को पकड़ा गया घेराबंदी करके। उनके पास से कट्टे राउंड और 95,000 रुपये नकदी जब्त किए गए हैं। पूछताछ पर उनके द्वारा कोड़ी शराब फैक्ट्री में घटना घटित करने के संबंध में स्वीकार किया गया उसकी तैयारी के लिए। और जब उनसे बारीकी से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा सनावत में जो मिर्ची डालकर 3 लाख रुपए की लूट करने की घटना थी उसको स्वीकार किया गया। इसके अलावा उनके द्वारा सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 घटनाएं लूट की और हुई थी, उन घटनाओं में भी उनके द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया। सेंधवा के शहरी थाने में भी एक घटना हुई थी, उसको भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इसके अलावा कसरावत में कुछ दिन पहले 44,000 की लूट हुई थी, उस घटना में भी ये सभी आरोपी थे। साथ ही साथ कुक्षी में एक फायरिंग करके एक सराफा व्यापारी के यहाँ इन्होंने कुछ प्रयास किया था, उस घटना को भी इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस प्रकार इन सभी आरोपियों के द्वारा कुल मिलाकर 6 घटनाओं के संबंध में भी स्वीकार कर लिया गया। इन 5 आरोपियों के अलावा कुछ और अन्य आरोपी थे, इनके संबंध में भी तलाश की जा रही है, वो भी गिरफ्त से दूर हैं। उनमें सलमान, सद्दाम और एक अन्य आरोपी है जिसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस प्रकार से संपूर्ण ये कार्रवाई में एक बड़ी उपलब्धि खरगोन पुलिस को हाथ लगी है। इसमें हमारे जो भगवानपुरा थाना प्रभारी हैं और थाना प्रभारी सनावत की और उनकी संपूर्ण टीम की एक अहम भूमिका है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संपूर्ण टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की आरोपियों को जब पकड़ा गया तो क्षेत्र में जो वारदातें हो रही थी इन पर अंकुश लगेगा और अन्य आरोपी जो इसमें शामिल थे उनको पतारसी करने के लिए प्रयास किए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।